Hey guys, welcome back or welcome to my channel Missing Perfectionist. And my name is Alia. Please subscribe to my channel and press the bell icon. आज हम करेंगे आईलाइनर, बेसिक आईलाइनर मेकअप लुक कैसे आप कर सकते हैं। मैंने ब्लू हेवन का 50 पीस का आईलाइनर यूज़ किया है। ये जो है मेरा सीरीज़ है, इट्स ऑल अबाउट सीरीज, तो ये इसका आईलाइनर वाला पार्ट है। तो मैंने इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, आप इसी से लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप नॉर्मली आपके जो है लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। आप स्टार्ट पतले लाइन से करें ताकि आप चाहे तो बाद में मोटा कर सकते हैं, बिकॉज बाद में आप उसको छोटा नहीं कर सकते। नॉर्मल सा लाइन ड्रॉ करें और वहीं तक आप स्टॉप कर सकते हैं। वैसे आपका जो इनर पार्ट का जो लाइन है जो आप देख सकते हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं वापस से उसको भी जो है ड्रॉ करूँगी। हाँ, तो ये प्रॉपर अभी लग रहा है। प्रॉपर जो है मैंने इनर कॉर्नर से लेके एंड तक किया है। ये जो है बेसिक लाइनर है जो सबको आता होगा, या नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, ऐसा करते हैं। देन उसके बाद जो है आपको अपने आईब्रो की एक ऐसा आपको एक अंदाज़ा लेना है। तो आईब्रो का आर्च ले लीजिए या तो हेयरलाइन ले लीजिए, जो भी आपको सही पड़े, और एक लाइन ड्रॉ करें जैसे मैंने किया है, और ऊपर से एक लाइन जो है अंदर की तरफ आप उसको कनेक्ट कर दें। आप एक तरह से आउटर लाइन बना के फिर उसको फिल करेंगे ऐसा। अब ये इजी हैक और ट्रिप है, तो इसकी वजह से आपका लाइनर बहुत अच्छे से लगेगा। और फिर आप उसको फिल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से विंग लाइनर बन गया है। बड़ा, छोटा और एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं। ये इजी हैक है, या आप टिप बोल सकते हैं, ट्रिक्स बोल सकते हैं फॉर ईजी विंग लाइनर। और इसके अगर आपका एक्स्ट्रा निकला है तो आप कंसीलर और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। तो गाइज, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्केच लाइनर यूज़ करें, तो वो पेन जैसा होता है तो ईजीली आप कर सकते हैं। तो सेकंड जो हम वो करेंगे सेलो टेप की हेल्प से। तो मैंने दूसरे साइड में सेलो टेप अप्लाई किया है। सेम मैं जो है लैश लाइन को फॉलो करते हुए अपने टेप का जो लाइन रहेगा, पहले तो आपको टेप भी वैसे ही चिपकाना है अंदाजे के हिसाब से, आँच के ऊपर या तो फिर लाइन पर जैसा कि आपको अंदाजा है। फिर जो है ये जो लैश लाइन को फॉलो करते हुए जो टेप में है वो फिल आपको करना है। जैसा फॉलो करते जाएंगे अपने आप वो होता जाएगा। तो ये भी बहुत इजी तरीका है, बट मुझे उसके पहले वाला तरीका ज़्यादा इजी लगता है। इससे उसको आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है, ऐसा आप देख सकते हैं। प्रॉपर स्टिक होना चाहिए आपका सेलो टेप, नहीं तो फिर वो गैप्स में होएगा तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो अच्छे से आपको फॉलो करते हुए आपको विंग बनाना है। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जैसा मैं कर रही हूँ। सेम मैंने ब्रश की वजह से क्लीन कर दिया है। ये है मेरा विंग आईलाइनर, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।